हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशेष मेरा ब्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। और आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज है पंचमी। हमारे घर के पास में ही मंदिर है, चंडी मंदिर, तो मैं जा रही हूँ वहाँ। मैं जा रही हूँ माता जी के दर्शन करने के लिए। तो गाइस, मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और मैं अपना मोबाइल घर पे ही भूल गई थी, इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। वो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ चुन्नियाँ, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने पहना हुआ है ये ऑरेंज कलर का कुर्ता, जैसा कि आप देख सकते हो। तो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं चुन्नियाँ लेके आई हूँ। और ये मैं तीन चुन्नियाँ लेके आई हूँ, छोटी छोटी, क्योंकि ये मुझे जो मेरे मंदिर है वहाँ की माता को चढ़ानी है। तो आप देख सकते हो कि ये तीन चुन्नियाँ लेके आई हूँ मैं। और लेके आई हूँ मैं ये बड़ी बड़ी चुन्नियाँ, जो कि मैं 9 लेके आई हूँ। आप देख सकते हो माता जी की चुन्नी कुछ इस तरीके से है। भैरव बाबा के लिए ये माथे की पट्टी लेके आई हूँ एक। गाइस, ये है कुछ अष्टमी की तैयारियाँ। जो मैं ये मंदिर के लिए छोटी छोटी चुन्नियाँ लाई हूँ वो मैं माता जी को चढ़ा देती हूँ अभी। देख सकते हो कि मैंने माता जी को चुन्नी चढ़ा दी है। और यहाँ पर भी मैंने लक्ष्मी माता जी को चुन्नी चढ़ा दी। तो गाइस, नवरात्रि में कुछ इस तरीके से मैंने अपने मंदिर को सजाया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छे से रख देती हूँ, तो मैं जल्दी से कपड़े चेंज कर देती हूँ और उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो गाइस, मैंने चेंज कर लिया है और मैंने पहना हुआ है ये ऑरेंज कलर का ये बहुत ही लॉन्ग कुर्ता। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और अभी 2 बजने वाली है, तो मैं जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ क्योंकि 3 बजे तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। और हम मंदिर दोपहर में गए थे क्योंकि सुबह और शाम में मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पंचमी के दिन मैं माता जी का दर्शन कर पाऊँ। मैंने बहुत ही अच्छे से माता जी का दर्शन कर लिया क्योंकि उतनी ज्यादा दोपहर में भीड़ नहीं होती। अब मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ और उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो गाइज, यहाँ पर मैं आई हुई हूँ मेरी बहन के लिए डांडिया के ड्रेस लेने के लिए, क्योंकि उसने डांडिया में पार्टिसिपेट किया हुआ है। हम 2-3 शॉप्स पे गए थे, पार्लर पे गए थे, बट हमें डांडिया की ड्रेस मिल ही नहीं रही थी, सारी ड्रेसेस बुक हो चुकी थी। फाइनली हमें एक शॉप मिली जहाँ पे डांडिया की ड्रेस मिल रही थी। वहाँ भी इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, बट एक ड्रेस तो हमें पसंद आ ही गई। फिर उसने अपने लिए ज्वेलरी डिसाइड करी। रास्ते में जितने भी माता जी के पंडाल आ रहे थे, हमने सारे जगह दुर्गा माता जी के दर्शन किए। और वैसे भी हमारा जो दुर्ग शहर है वो दुर्गा जी के नाम से नवरात्रि में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप भी नवरात्रि के समय दुर्ग आते हैं तो आपको भी हर जगह दुर्गा माता जी के दर्शन हो ही जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही दुर्गा जी के पंडाल आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद गए हम गंज पारा के गंज मंडी के दुर्गा जी का दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हर साल झांकियाँ भी बनी हुई होती है।
गंज के बाहर मेला लगा हुआ होता है। फिर हमने खाया डोसा और उसके बाद चले गए हम अपने घर। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रिचेस मेहरा व्लॉग्स। बाय गाइज़।